हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म डू वेल्स द हब ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंजीनियरिंग स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेस। तो ये पूरा आज हमारा डिस्कशन का मुद्दा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे, ये जो ट्रू कर्व और जो इंजीनियरिंग कर्व दोनों ही अलग अलग क्यों आया। पहला क्वेश्चन ये होता है कि अच्छा, इंजीनियरिंग कर्व और ट्रू कर्व ये हो ऐसा क्या होता है कि वो अलग अलग होते हैं। ट्रू तो हमको पता चलता है, हाँ ट्रू मतलब कुछ एक्चुअल होगा, एंड इंजीनियरिंग तो हम लोग इंजीनियरिंग में जो पढ़ते हैं कुछ गलत पढ़ते हैं क्या, वो जो ऐसा वाला स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं लेकिन ट्रू में कुछ अलग आ रहा है। हाँ, वो सब के बारे में जितना भी डाउट है इस कॉन्टेक्स्ट को लेकर सब कुछ यहाँ पर बात होगा। आप बस अंत तक बने रहिए इस वीडियो के, ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए एंड यू विल नॉट मिस इंटरप्रेट एनीथिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ योर लाइफ। एंड यू नो दैट लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरियस, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। ओके, तो पहले इसे समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ग्राफ आया है ना, ये मतलब कौन सा टेस्ट करके ये आया है। तो आप लोग को मैं बता दूँ, ये हमारा टेस्ट होता है जैसा कि यूनिवर्सल टेस्ट मशीनिंग के टेंसाइल टेस्ट जब किया जाता है, उस फॉर्म के जो डाटा आया वो टेस्ट करके वो सबको हम एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए एंड उसे प्लॉट कर दिए बस, ठीक है। तो पहले देखो, एक स्पेसिमेन है मेरे पास ये वाला, ओके, मोटा सा, छोटा सा, नाटा सा, राइट। एंड मैंने क्या किया ना, आई जस्ट फिक्स दिस स्पेसिमेन एट यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन एंड आई अप्लाई टू गिव द टेंसाइल फोर्स। तो टेंसाइल फोर्स अगर हम देंगे तो ये क्या होगा, इलोंगेट होने लगेगा। इलोंगेट मतलब लेंथ इसका बढ़ेगा एंड एरिया उसका घटेगा, जैसे कि ये होते होते गया है। यस और नो? यस। तो इस केस में भाई, फर्स्ट केस में, इनिशियल केस में, मतलब t इक्वल टू जीरो मानते हैं, t जब जीरो होता है तो FR0 अप्लाई होता है। तो फिर अगेन जो मैं थोड़ा फोर्स बढ़ाया, मतलब FR1 कर दिया, कब ना, t इक्वल टू वन, मतलब t1 टाइम में, राइट। एंड फिर FR2 अप्लाई किया t2 टाइम में, FR3 अप्लाई किया t3 टाइम में, एंड ये फाइनल है t4। ये जो हो रहा है धीरे धीरे, इसमें आपको क्या नोटिस कर पा रहे हैं आप ना भाई, ये तो इसका जो लेंथ है वो जितना था, मतलब ओरिजिनल लेंथ जो है एंड ओरिजिनल एरिया जो है, बट इस केस में जो एरिया घट रहा है एंड लेंथ बढ़ रहा है, एंड इस केस में और भी घट रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, इस केस में और भी घट रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, एंड इट इज़ द लास्ट, मतलब जस्ट बिफोर फेलर। इसके आगे अगर थोड़ा भी अप्लाई कर देना ये फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना एरिया कम हो गया देखो, एंड लेंथ तो भाई पूरा ही पूरा बढ़ गया, ठीक है। तो ये जो मैं T1, T2, T3 टाइम लिया हूँ, मतलब ये हर इंस्टेंस में, हर एक पॉइंट में, मतलब ये T1 टाइम में, T=2 टाइम में, T=T3 टाइम में, हर एक इंस्टेंट में उसका रिजल्ट लिया हूँ मैंने, राइट। तो इसके ही अगर आपने कभी पढ़ा होगा डेफिनेशन उसका, कि इंस्टेंटेनियस एरिया के बदलत ही ट्रू स्ट्रेस हमको मिलता है। तो वो इंस्टेंटेनियस क्या होता है ना, एवरी इंस्टेंस में अगर हम कैलकुलेशन करें एरिया और लेंथ, देन उसको इंस्टेंटेनियस बोला जाता है। तो देखिए भाई, मैंने ट्रू स्ट्रेस निकालने की कोशिश की इसका। स्ट्रेस मतलब क्या होता है, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो इस केस में F0/A0 हुआ, इस केस में FR1/A1 हुआ, इस केस में FR2/A2, इस केस में FR3/A3, इस केस में FR final/A final, ठीक है। ये तो हमें पता चलता है, लेकिन एक सबसे बड़ा मुसीबत है ये है भाई, कि जो A1, A2, A3 है, डिफरेंट केस में जो डिफरेंट A1, A2, A3 आया है ना, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। आप पूछेंगे क्यों, ऐसा क्या हो गया नहीं होता है ना, बिकॉज ये ना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है मेजर करना। क्यों ना, इसका जो रिडक्शन ऑफ एरिया होता है ना, वह बहुत ही छोटा होता है। मतलब आप लेंथ के बारे में सोचा ना, ये लेंथ पूरा धड़ाधड़ बढ़ेगा, मतलब कुछ रीजनेबल, ओके, कुछ स्पेसिफिक लेंथ उसका बढ़ेगा, लेकिन एरिया का केस में क्या होगा, स्पेसिफिक एरिया रिडक्शन नहीं होगा, जो कि एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग वी विल अनेबल टू मेजर इट,
ओके सो ये तो प्रॉब्लम आ गया, तो उसका रिप्लेस में उसको थोड़ा सुधारने के लिए हमें तो चाहिए ना भाई किसी भी डाटा प्लॉट करने के लिए, नहीं तो कैसे होगा काम, हम आज तक कैसे सब हर चीज़ डिज़ाइन करते आ रहे हैं, मतलब वी नीड द डाटा एट द एंड ऑफ एवरीथिंग। सो हम क्या किए, ओके ठीक है नो प्रॉब्लम, हमारे पास हर इंस्टेंस का एरिया नहीं है वो तो चलेगा, लेकिन ओरिजिनल एरिया तो है अभी भी, पहले जितना था वो तो है। तो मैंने क्या किया भाई ना, हर जगह में ओरिजिनल एरिया को डिवाइड कर दिया। पहले क्या था, F0 FR0 by A0 था, FR1 by A1 था, लेकिन A1 के जगह में मैंने A0 पुट किया, मतलब जो ओरिजिनल एरिया पुट किया, यहाँ पर भी ओरिजिनल एरिया पुट किया, यहाँ पर भी ओरिजिनल एरिया पुट किया। एंड जब मैं स्ट्रेस निकालता हूँ एंड ओरिजिनल एरिया को बेस कर कर, वो बन जाता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस। तो आप पूछेंगे हाँ ये भी बात समझ में आ गया भाई, आपने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया, लेकिन ये जो ग्राफ, ये जो ट्रू कर्व आपने जिसे देखा है, ये ट्रू कर्व रेड कलर वाला लाइन, ये क्यों ऊपर गया है, एंड जो इंजीनियरिंग कर्व वाला लाइन है ये क्यों नीचे आ गया है, ऐसा क्यों हो गया? आप ओरिजिनल लेंथ पकाए फिर भी, ओरिजिनल लेंथ डाले फिर भी क्या हो गया ऐसा, वही बताने की कोशिश करता हूँ आप लोग को। देखिए जो एरिया वन है ना, एरिया वन मतलब ये इससे छोटा है ऑब्वियसली, ये जो टू पॉइंट में टू टाइम में इसका जो एरिया होगा ये ओरिजिनल से क्या बहुत छोटा होगा, ये जो एरिया टी थ्री टाइम में इसका जो एरिया होगा ओरिजिनल से क्या होगा, बहुत बहुत छोटा होगा, इसका बहुत 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 छोटा होगा। तो इसको ही मैंने रिप्रेजेंट किया हूँ थोड़ा, देखिए वी नो दैट एरिया ऑफ वन मतलब T1 टाइम में ये लेस देन होता है ओरिजिनल एरिया से, एंड A2 जो लेस देन एंड लेस देन लेसर एंड लेसर होता है ओरिजिनल से, एंड ये बहुत ही लेसर हो जाता है जो A3 होता है ये ओरिजिनल से। तो भाई साहब अगर डिनोमिनेटर में हमें कुछ कम वैल्यू पुट करना चाहिए था, लेकिन उसके बदलत हम ज़्यादा वैल्यू पुट कर दिए, तो ओवरऑल जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, यस और नो? ऑब्वियसली, लेकिन डिक्रीज होगा मतलब कौन सा, ये जो डिक्रीज होगा ये क्या है, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस है। तो फाइनली इंजीनियरिंग स्ट्रेस डिक्रीज हो जाता है, क्लियर? क्योंकि जो A1 A2 A3 ये ओरिजिनल लेंथ से बहुत बहुत छोटा होता है, लेकिन हम ओरिजिनल लेंथ ओरिजिनल एरिया के जगह ओरिजिनल एरिया के जगह हमने सॉरी इंस्टेंट एरिया की जगह हमने ओरिजिनल एरिया को कंसिडर कर दिया, इसलिए पूरा जो वैल्यू है इंजीनियरिंग स्ट्रेस है वो डिक्रीज हो गया। इसलिए जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है ट्रू इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है, दैट मीन्स जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है वो हमेशा छोटा होता है ट्रू स्ट्रेस से। आप बोलेंगे सर हम आज से क्या गलत कैलकुलेशन करते आ रहे हैं छोटा वैल्यू लेके? नहीं बेटा, हमको जब पता चला ये चीज़ हो नहीं पा रहा है एंड हमने देखा कि हाँ इंजीनियरिंग स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेस से कम ही आ रहा है, तो हमें फील हुआ कि अच्छा कम ही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम सेफ रीजन में अभी भी है। मतलब हम अगर इंजीनियरिंग स्ट्रेस को कंसिडर करके डिज़ाइन करने शुरू कर दिए तब भी हमारा कोई प्रॉब्लम है नहीं, हम और भी ज़्यादा सेफ में हो गए, समझ रहे ना? अगर उससे ज़्यादा होता तो दिक्कत होता, मतलब मेटेरियल कब फेल हो जाता पता चलता नहीं चलता, लेकिन हम बस अपना कैलकुलेशन में बिजी हो जाते। लेकिन अभी ट्रू स्ट्रेस से हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस कम में आ रहा है, मतलब हमें पहले से ही सेफर रीजन में आ गए, उसके बाद उससे रिलेटेड हम सारा कैलकुलेशन कर देते हैं ताकि खुशी खुशी अपना चला पाए जो भी मन मर्जियाँ, ठीक है? तो ये ग्राफ को आप अच्छे से देखिए, अगर मैं थोड़ा जूम आउट करूँ इसे, ओके एंड इफ आई विल यूज़ द पेन क्या होगा भाई, देखो ये जो यहाँ से जो शुरू हुआ ये तो पूरा टच होके ए पॉइंट तक आया, ए पॉइंट क्या होता है प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, एंड इस पॉइंट से ही चेंज होना शुरू हो गया, ये जो क्यू आप पूछेंगे क्यू, ये पॉइंट से क्यू शुरू हो जाता है चेंज होना ट्रू कर्व, क्योंकि ये जो एरिया रिडक्शन होता है इस पॉइंट से स्पेसिफिक हो जाता है, क्योंकि इस पॉइंट से जो इलास्टिक पॉइंट के बाद से प्लास्टिक रीजन शुरू हो जाता है, वहाँ से थोड़ा रीजनेबल रिडक्शन एरिया होता है, तो थोड़ा सा ग्राफ चेंज होने चलता है वहाँ से एंड आते आते यहाँ पर पूरा ही चेंज हो जाता है, ठीक है? इसलिए जो हमारा ट्रू स्ट्रेस होता है हमेशा ज़्यादा होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस से। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, राइट? अगर आया है ये
तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्त लोग के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, एंड अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए, एंड कुछ भी दिक्कत आया होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए, एंड और क्या पढ़ना चाहते हैं वो सब भी आप कमेंट कीजिए, क्योंकि आई रियली लव रीडिंग योर कमेंट्स माय डियर। ओके, सो आई विल बैक विथ अनदर न्यू लेसन ऑफ हाउ टू कैलकुलेट ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन विथ इट्स फार्मूला। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। सो टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।